दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंधाना को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों स्मृति मंधाना और एलिसा पहली के छक्कों से टूटा गाड़ी का कांच, जिसे देख पाकिस्तान के दिग्गज रह गए हैरान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे तंग। जी हां दोस्तों, साल 2024 का वुमेन प्रीमियर लीग रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है। इस बीच आरसीबी की टीम की तरफ से स्मृति मंधाना और एलिसा पहली ने छक्कों की बारिश कर सभी को हैरान किया और मैदान पर मौजूद गाड़ी का कांच तोड़ा, जिसको देख पाकिस्तान के दिग्गज रह गए हैरान। इस बीच वसीम अकरम, रमीज रजा से लेकर इमजमाम उल हक, शोएब अख्तर ने वुमेन प्रीमियर लीग की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने वुमेन प्रीमियर लीग के छक्कों को देख क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल महिला प्रीमियर लीग और पीएसएल में से कौन सा सबसे बेहतर टूर्नामेंट है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, महिला प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, जहां पर आज खेले गए बैंगलोर और यूपी के मैच के अंदर दर्शकों का काफी ज्यादा जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान बैंगलोर की टीम की तरफ से कप्तान स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी ने तूफानी पारी खेलते हुए मैदान पर मौजूद कार के कांच को तोड़ दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम दिग्गज भी हैरान रह गए और उन्होंने महिला प्रीमियर लीग की तारीफ करते हुए होश उड़ा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि वुमेन प्रीमियर लीग की तरफ से महिलाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, लेकिन जिस प्रकार से आज स्मृति मंधाना और पेरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर दर्शकों का दिल जीता है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इस लीग के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता है और इसी वजह से महिला प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में दर्शक मैच देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महिलाओं के मैच देखने के लिए भी काफी जमावड़ा है। इसके बाद मैं कह सकता हूं कि महिला प्रीमियर लीग बेहतरीन लीग है। तो वहीं रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा कि महिला प्रीमियर लीग के अंदर आज बैंगलोर की टीम की तरफ से स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी ने जिस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी कर छक्कों की बौछार की है, वो बताता है कि महिला प्रीमियर लीग काफी ज्यादा सफल टूर्नामेंट है और इसमें पाकिस्तान सुपर लीग से भी ज्यादा मजा दर्शकों को आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि महिला प्रीमियर लीग के अंदर दर्शकों ने जिस प्रकार से छक्के से लुत्फ उठाया है, उस तरीके से तो हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के टूर्नामेंट में लोग आते ही नहीं है, जिसका हाल का उदाहरण कराची किंग्स के मैदान में देखने को मिला। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग को इस लीग सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग से बेहतर है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, मुझे लगता है कि इन दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते मैच का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैदान में बाहर छक्के और चौके जा रहे थे वो वास्तव में सभी को काफी उत्सुक कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस तरह से दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान सुपर लीग भी शर्मा जाएगी, क्योंकि उनसे ज्यादा दर्शक तो यहाँ महिला के मैच देखने के लिए आए हैं। और अब मैं खुलकर कह सकता हूँ कि महिला प्रीमियर लीग इस समय पाकिस्तान सुपर लीग से काफी ज्यादा बेहतर टूर्नामेंट है, जो बताता है कि पीएसएल को सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि प्रीमियर लीग के अंदर स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी की तूफानी पारी के चलते मैदान पर मौजूद एडवर्टाइजमेंट कार का नुकसान हुआ है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस तरीके से तो पुरुष भी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते जिस तरीके से महिला बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। महिला प्रीमियर लीग से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि महिला प्रीमियर लीग के सामने हमारे देश की पाकिस्तान सुपर लीग कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर दर्शक मैच देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग काफी ज्यादा तादाद में महिलाओं का मैच देखने आ रहे हैं, जो बताता है कि महिला प्रीमियर लीग एक सफल टूर्नामेंट है और पाकिस्तान सुपर लीग महिला प्रीमियर लीग के पास भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वुमेन प्रीमियर लीग से बेहतर पाकिस्तान सुपर लीग है या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।